आटा, घी, तेल, चावल, बेसन और दालें हर किस्म की यहाँ पे मौजूद हैं। आलू, प्याज, सब्जियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। सब्सिडाइज कर रहे हैं, अब हम 97 की चीनी परचेज कर रहे हैं, 85 की उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे परचेज करने आ रहा है, हमसे खैरात ज़कात लेने नहीं आ रहा। हम किसी भी तौर पे, हमारा जो इदारे का मकसद है वो ये कि इंसान की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उसको जो है वो चक्कर ना लगाना पड़े, उसके धक्के ना लगे, तो इसीलिए हमने जो है ये टोकन का एडवांस सिस्टम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। बस अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? अली वसीम। अली भाई, आपकी यहाँ पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? देखिए, यहाँ जो मेरी बेसिक जिम्मेदारियाँ हैं वो तमाम परचेज को जो है वो करनी है, साथ में जो है उसकी सारी मैनेजमेंट करनी है, जितने भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनका भी जो है टेक ओवर करना है और सबको उनकी ड्यूटियाँ असाइन करनी है। आप इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो आफ्टर अकील भाई जो है वो सारी चीज़ें मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच रखते हुए आपने इसकी बुनियाद रखी? देखिए, हमारे इस के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। वो हमने माशरे के उस तबके को कवर किया है जो तबका किसी के आगे जो है वो जाके किसी जगह पे दस्तरखान पे बैठ के खाना नहीं खा सकता, अपनी फैमिली को वहाँ नहीं ले जा सकता। वो तबका होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास तबका स्टार्ट होता है 25,000 सैलरी से लेके 1,00,000 तक का। मंथ एंड के 20-25 तारीख को जो है यूटिलिटीज़ वगैरह अदा करने के बाद वो खाली हो जाता है। तो हम बेसिकली उसको कवर कर रहे हैं ताकि उस वो सेक्टर को सब्सिडाइज करें। अब हम 97 की चीनी परचेज कर रहे हैं, 85 की उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे परचेज करने आ रहा है, हमसे खैरात ज़कात लेने नहीं आ रहा। और यहाँ हमने बेसिक उसको जो है इंश्योर कर दिया है कि ना खैरात, ना सदका, ना खैरात, ना खुम्स, ना ज़कात, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मुखय्यर हज़रात के ताबुन से और स्पेशली अकील भाई के ताबुन से ये प्राइस को जो है डाउन किया गया और उनको सब्सिडाइज किया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं? आटा, घी, तेल, चावल, बेसन और दालें हर किस्म की यहाँ पे मौजूद हैं। आलू, प्याज, सब्जियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और सारी जो है वो बेसिकली मैं चंद चीज़ें आपको जैसे बता दूँ। ऑयल हमारे पास 400 रुपये का, आटा जो इस वक्त सनरिच का मार्केट के अंदर 880 रुपये की उसकी टीपी है, रिटेल प्राइस है, वो हम दे रहे हैं यहाँ पे 725 रुपये का, यानी 150 रुपये का डिफरेंस दे रहे हैं। तो ये सिलसिला है और इसके अंदर अभी मज़ीद हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पहले हम बाज़ार में लगा रहे थे, ये 19वां बाज़ार था हमारा जो हम अमरोहा ग्राउंड में लगाते थे, यकीनी बचत बाज़ार थे। अब हम मरकज़ निगाह एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से अपनी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अपने मरकज़ से ये हमने स्टार्ट किया और ये वीक में जुमा, हफ्ता, एतवार 3 दिन रहेगा ये सिलसिला कंटिन्यू। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान से पहले और ड्यूरिंग द रमज़ान रहेगा, नहीं, बल्कि ये सारा साल का प्रोजेक्ट है और मज़ीद ऐसे कुछ सहूलत के प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंसिड्रेशन है, तो इंशाल्लाह जल्द उनको भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछना है। देखें, यही तमाम चीज़ें जब हम दुकानदार से ख़रीदते हैं या जब हम उससे बात करते हैं कि यार इतनी महंगी चीज़ तुम क्यों दे रहे हो, तो हमें आमतौर पर रिवायती एक जवाब मिलता है, यार पीछे से महंगा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये तमाम एक्सपेंडिचर्स आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, देखिए, तमाम एक्सपेंडिचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन दो चीज़ें, एक तो मार्केट में जो है हर इंसान अपने मौके का फ़ायदा उठा रहा है और अगर यहाँ पे एक लोकल सब्ज़ी वाला ठेला लगा के बैठा है तो उसने भी अपना मुनाफा 100% रखा हुआ, क्योंकि हम आरपी से ख़रीद के लेके आ रहे हैं तो हमें रेट पता है। यहाँ ला के उसको इतना खर्चा नहीं आ रहा, 5-6 रुपये बहुत लगा दें, 8 रुपये किलो के पीछे आएगा, लेकिन 25-30 रुपये नहीं आ रहा, वो तो किलो के ऊपर 25 रुपये ऐड कर रहा है, 30 रुपये ऐड कर रहा है। तो मुनाफाखोरी जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेकर हायर लेवल तक हर तक मौजूद है। अब आती है एक्सपेंडिचर हमारे, तो एक्सपेंस जो है हमारा इदारा और स्पेशली अकील भाई जो है उसको तमाम एक्सपेंस जो उसके ट्रांसपोर्टेशन के, पैकिंग के और जो उसके वॉलंटियर्स के हैं वो सारे जो है वकील भाई खुद जो है बेयर करते हैं, हमारा इदारा मरकज़ निगाह जो है इसको बेयर करता है, तो वो उसकी वजह से इसके प्राइस जो है और बिलो हो जाते हैं। प्लस इसके अंदर हम ये कर देते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर हमने 97 की खरीदी, अब वो हमें एक कट्टा का 4,500 का पड़ा था, तो हमने उसके अंदर 1,000 रुपये 2,000 रुपये किलो जो है कट्टे के पीछे डाल दिया, यानी 50 kg के पीछे डाल दिया, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है वो नीचे आ गई 70 और 75-80 रुपये के ऊपर आ गई, उस प्राइस के ऊपर हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया। इस लोकेशन के हवाले से बताइए और इस ऑफिस के बारे में बताइए कि ये यहाँ पर ऑफिस कितने वक्त से मौजूद है? देखिए, ये मरकज़ निगाह का ऑफिस जो है ये काफ़ी अर्से से यहाँ मौजूद था, लेकिन इसको ऑपरेशनल जो अब किया गया है वो बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ जो है जुमेरात के दिन से किया गया है, जहाँ से इस लोगों की परचेजिंग स्टार्ट हुई है। जुमा, हफ्ता, एतवार, आज तीसरा दिन है बाज़ार का मुसलसल और क्राउड आप कवर कर रहे हैं, कंटिन्यू आ रहा है, तो लोगों के लिए नया नहीं था, यकीनी बचत बाज़ार या अकील भाई का नाम जो है वो नया नहीं था, तो इसलिए मरकज़ निगाह उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये फेडरल भी एरिया ब्लॉक 20 हंचोली के अंदर मौजूद है, बिल्कुल एडजेसेंट टू शहीद फाउंडेशन, बहुत ईजी इसका रास्ता है। हमारे देखने वाले अगर यहाँ आके कोई चीज़ परचेज करना चाहें तो क्या उसका प्रोसेस है उसके हवाले से? देखिए, उसके प्रोसेस को भी हमने बहुत आसान कर दिया लोगों को,
अब एक आदमी है वो जो है जुमेरात के दिन ऑफिस जाता है, अल्टीमेटली वो वापस आएगा। जब वो वापस जा रहा है तो वो हमारे जो पर्टिकुलर पॉइंट है रजा गिफ्ट सेंटर, वहाँ से अपना बिल मेन्यू बनाएगा, जो जो उसने ख़रीदना है उस सबके आइटम्स उसने लिखवा दिए विद क्वान्टिटी, और उसने अपना कैश मेमो लेके चला गया। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग ऑफिस चला गया, शाम को अब वो वापस घर जा रहा है, वो हमारे पास से पूरा शॉपर उसका रेडी, उसको एक एक आइटम चेक करा के उसका हैंड ओवर कर दिया जाएगा। टाइम भी हमने सेव कर दिया, उसका फ्यूल को भी हमने सेव कर दिया। ये नहीं कि वो आ रहा है और फिर आलू की लाइन में अलग, आटे की लाइन में अलग, चीनी की लाइन में अलग। हम किसी भी तौर पर हमारा जो इदारे का मकसद है वो ये कि इंसान की इज्जत नफ्स मजबूत ना हो, उसको जो है वो चक्कर ना लगाना पड़े, उसके धक्के ना लगे। तो इसीलिए हमने जो है ये टोकन का एडवांस सिस्टम किया, इससे आसानी अल्टीमेटली उनके ऊपर जा रही है, हमारी तो लेबर पावर बढ़ रही है। हम एक टाइम पे जो है वो उनसे टोकन ले रहे हैं, दूसरे टाइम पे रात में हम उनके शॉपर्स पैक कर रहे हैं। अब एक आदमी अगर परचेज करेगा तो आलू प्याज आटा तेल घी दालें पैक करेगा, तो 10 लोग मिलके वो एक शॉपर बना रहे हो। ठीक है, अच्छा ये रजा गिफ्ट सेंटर आपने बताया जी, ये शॉप कहाँ पर है? ये शॉप इसकी लोकेशन जो है ये बिल्कुल मेन इंचोली रोड जो है उस पर अहमद मेडिकल के सामने रजा गिफ्ट शॉप है। बहुत ईजी है, इंचोली रोड मेन रोड के ऊपर आप किसी से भी मालूम कर लें कि अहमद मेडिकल कहाँ है, एग्जैक्ट उसके सामने मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली भाई।